हेलो एवरीवन, मैं हूं मेरठ से मालविका और स्वागत है आपका मेरे चैनल जीथी इंडिया गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूं सकुलेंट का एक बुके। बहुत ही सुंदर लगता है और क्योंकि सकुलेंट का ग्रोइंग सीजन विंटर्स है, इस समय सकुलेंट्स की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है, तो इस समय इसको आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरे न्यू उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सकुलेंट की बुके ट्रे को बनाना। इसके लिए मैंने ली है यहाँ पर 12 इंच की ट्रे। 12 इंच इसका डायमीटर है और इसकी जो डेप्थ है वो है 3.5 इंच। और इस बुके को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के सकुलेंट्स। इचीवेरिया है, कुछ सीडम है, काफ़ी सारी वेराइटी के जितने मेरे पास हैं वो सभी मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। ब्रोज टेल्स, ये सभी सकुलेंट्स मैं यहाँ पर इस बुके में लगाऊंगी। तो सबसे पहले जो ड्रेनेज होल है उसको हम कवर कर लेंगे एक ठिकरे से। उसके बाद मैं यहाँ पर बजरी से एक इंच की लेयर बनाऊंगी, पूरे एक इंच की लेयर बनाऊंगी, जिससे कि अगर वाटर इसमें ज़्यादा हो जाए कभी तो वो जड़ों को हार्म ना पहुँचाए। तो एक इंच की लेयर, 1 से 1.5 इंच की लेयर यहाँ पर मैं बजरी की बिछा दूंगी। उसके बाद इस तरीके से किचन में यूज़ होने वाला जो रोल होता है कपड़े का, उसको मैं बिछा दूंगी। इससे जो मिट्टी है वो नीचे नहीं जाएगी और ड्रेनेज होल हमारा बंद नहीं होगा। उसके बाद हम फिल करेंगे मिट्टी। मिट्टी सकुलेंट्स के लिए किस तरीके से बनाएं इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस तरीके से मिट्टी की अच्छी सी लेयर बनाने के बाद अब हम लेंगे कोई कप या फिर इस तरीके से अचार की बरनी जो कि मेरे पास वेस्ट थी। इससे हम बनाएंगे फ्लावर वाज यहाँ पर एक छोटा सा, क्योंकि हम बुके बना रहे हैं तो उसके बेस के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से मिट्टी में इसको आधा फिक्स कर देंगे, आधा ऊपर रहने देंगे और इसके अंदर भी आप अच्छे से मिट्टी फिल कर दीजिए। मिट्टी फिल करने के बाद हम इसको अच्छे से एक बार वाटर स्प्रे करेंगे जिससे कि जो मिट्टी है वो अच्छे से सेटल हो जाए, क्योंकि अगर इतनी भुरभुरी मिट्टी में हम सकुलेंट्स अरेंज करेंगे तो वो ठीक से अरेंज नहीं हो पाएंगे। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस ट्रे में सकुलेंट्स को अरेंज करना। तो मैंने लिया है थोड़ा सा फंगीसाइड और जितने भी सकुलेंट्स हैं वो मैंने कट किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी डंडी इसमें नहीं चाहिए। सारी डंडी जो भी स्टेम है इसकी वो मिट्टी में दबानी है हमें, तो इसको हमें अच्छे से फंगीसाइड से कवर करना है। तो करीब 1 से 1.5 इंच की स्टेम मैंने रखी है जिसको कि मैं पूरा का पूरा मिट्टी में दबा दूंगी। इसी तरीके से सारे सकुलेंट्स को अरेंज करना है। यहाँ पर सकुलेंट्स का अरेंजमेंट आप अपनी इमेजिनेशन के अनुसार कर सकते हैं, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। कि बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आप सबसे बड़ा सकुलेंट है उसको सबसे पहले लगा दीजिए और उसके आसपास आप उससे छोटे सकुलेंट्स को अरेंज करते रहिए। बस इसी तरीके से इसको अरेंज करते हुए पूरा बुके हम कवर कर देंगे। Thank you.
तो ये देखिए, मैंने अपनी इमेजिनेशन से ये एक बुके रेडी कर दिया है। आप भी इसी तरीके से अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके एक बहुत ही सुंदर सकुलेंट्स का बुके बना सकते हैं। और ये जो आप सकुलेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, ये सभी धूप में रखने से हुए हैं। इस समय विंटर्स में किस तरीके से इनकी देखभाल करें, उस पर भी मेरा एक डिटेल वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर अगला काम जो मैं कर रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ जो भी मिट्टी है, एक्स्ट्रा मिट्टी, उसको मैं मार्बल चिप्स की हेल्प से कवर कर दूंगी, जिससे कि जब हम इसको पानी दें तो मिट्टी इन पौधों पर ना आए। तो इस तरीके से पूरे के पूरे एरिया को हम अच्छे से मार्बल चिप्स से कवर कर देंगे। कोई भी मार्बल चिप्स ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर वाइट लिया है, और ये मार्बल चिप्स मैंने लिया है मार्बल शॉप से, जो कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये प्रति किलो पड़ा है, बहुत ही सस्ता। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं इसको तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन आप किसी भी मार्बल शॉप से ले लीजिए, जो फर्श में डलने वाला चिप्स होता है ये वही है। ये मार्बल चिप्स 3 से 4 रंग में अवेलेबल हो जाते हैं मार्बल शॉप पे, और एक मेरे पास इससे थोड़ा मोटा वाला भी है वाइट कलर का, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इनको ज़रूर यूज़ करिएगा, और इससे जो आपका बुके गार्डन है, बुके ट्रे है, उसका लुक एकदम से इन्हेंस हो जाएगा, और वो बहुत ही, जितने भी कलर्स हैं इसमें सकुलेंट्स में, जितने भी कलर्स हैं वो भी इन्हेंस हो जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर वाइट कलर का मार्बल ऐड कर रही हूँ, तो सारे ही कलर्स वाइट की वजह से बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से अंदर की साइड भी अच्छे से आपको मार्बल चिप्स फिल करना है, जिससे कि इनमें किसी तरीके का गैप ना रहे और बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाएं, क्योंकि इसी से ये अच्छे से सेट रहेंगे। तो अच्छे से आप इसको दबा दबा के अंदर तक फिल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्जॉय करिए मेरे इस वीडियो को, एंड हैप्पी गार्डनिंग।